अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद जफीर। 8 फरवरी का दिन बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने की नवीद बनेगा। फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दावा किया है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में रबता हुआ है। रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर भी इतफाक हुआ है, लेकिन जो जंग है वजारत उज़्मा की, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिशें कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब निगरान सेटअप अभी आने वाला था और उस वक्त बड़ा मोमेंटम बनाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब मुस्लिम लीग नून, जब से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हुई है, तो एक इस वक्त एक तासुर ये कायम हो रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून मोस्ट फेवरेट है इस वक्त। दूसरी तरफ कराची में जो ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात हुए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि जी, इस बार पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जिस तरह कराची में अभी नतायज आए, ये आने वाले आम इंतखाबात के नतायज हैं दरअसल। और वो कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान के अवाम लाहौर से भी वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात की उन्होंने। और चूँकि इस वक्त लाहौर मरकज़ बना हुआ है, मरकज़ निगाह है, और जो एक तासुर कायम हो रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो मोस्ट फेवरेट है, जहाँ जहाँ की होनी चाहिए। अवामी हलकों में तो इस तरह की कोई अब तक कोई इस तरह की खबरें नहीं हैं, लेकिन तासुर देने की कोशिश की जा रही है। ये कितना दुरुस्त है और क्या वाकई में कोई इस तरह की का रिलीफ फौरी तौर पर मिल रहा है नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून को? दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर डे फर्स्ट से कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन की डेट तो आ चुकी है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये सब कुछ नहीं हुआ, तो हमने माजी में देखा 2013 के इंतखाबात कैसे हुए थे, किस तरह 3 बड़ी सियासी जमातों को रोक दिया गया था, उनकी इलेक्शन कैंपेन नहीं चल सकी थी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें जॉइन किया जनाब हसन मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी मेहरबान साहब, किस तरह देखते हैं आप आज, चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाशी साहब के दरमियान टेलीफोनिक रबता भी हुआ है, और साथ ही साथ ज़ाहिर अब इलेक्शन की तैयारियाँ भी हो रही हैं, दोनों बड़ी जमातें जो है वो कोशिश कर रही हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, जो आपसे बारखा बात भी होती रही जब नया नया सेटअप आ रहा था, अभी निगरान सेटअप बड़ा मोमेंटम बना था और ख़ास तौर पे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोमेंटम गेन कर रही थी, फिर थोड़े से कुछ ब्रेक्स लगे, अब जरदारी साहब दोबारा मुतहरिक हुए। क्या इन्फॉर्मेशन है और पंजाब कैसा रिस्पॉन्ड करेगा इस बार? बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक तो सबसे पहले तो ये जो खबर आज गर्दिश कर रही है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का कोई आपस में रबता हुआ है, तो ऐसा कोई रबता नहीं हुआ जी। ये पुरानी खबर है, जब मियां साहब तशरीफ लाए थे उस वक्त उनका टेलीफोनिक रबता हुआ था, ठीक, उसके बाद नहीं हुआ। तो अब तक आप ये कह रहे हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो ये पुरानी खबर को ही आज दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल, ये पुरानी खबर है, आज कोई रबता नहीं हुआ जी। ठीक, आज कोई रबता नहीं हुआ, तो इन फ्यूचर कोई रबता होगा या फिर अपनी अपनी जंग लड़ी जाएगी? नहीं, देखिए रबते जो है ये सियासत में खत्म नहीं होते जी। जी, ये बातचीत, मेल जोल, ये सियासत का हिस्सा है और ये होना चाहिए, ये खुश आइंद होता है। ठीक है, जहाँ पे आपके टॉकिंग टर्म्स भी ना हो वहाँ सियासत नहीं अनारकी होती है, इंतशार होता है। हमारा मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि हम सियासतदानों से राबते ना रखें, हमारे राबते होने चाहिए, बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, हमारे खुल के अवाम के सामने सब चीजें होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डायलॉग पे यकीन रखती है। बिल्कुल ठीक आपने, लेकिन क्या बदकिस्मती नहीं हमारी, आप चूंकि हमेशा बड़े वोकल पर्सन है, खुल के बात भी करते हैं, सियासत भी अवामी सियासत करते हैं, कि फिर हमारी सियासी जमातों में से ही कोई जमातें होती हैं जो जो शोल्डर फरहम करती हैं इस तरह की बैकडोर रबते की अपने बात की, तो यही कुछ होता रहा। इस वक्त भी ये तासुर बार बार सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के जरिए ही आए। आज सादर रफीक साहब भी नफ़ी कर रहे थे इस बात की, लेकिन मेरे आपके या सादर रफीक साहब के नफ़ी करने से कुछ नहीं होता, आवाम में चले जाएँ आप भी हम भी सब यही कह रहे हैं, नज़र आ रहा है बज़ाहिर टिल्ड है मामला। देखें, ये आपके सवाल में ही जवाब है
इसी चीज का हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, इसी जी चीज को हम कहते हैं, नून लीग से भी हम यही कहते हैं कि आज अगर 2018 की तरह आपने भी कंधे पे बैठ के आना है तो यार हमारी जद्दोजहद, हमारी वो सारी जमहूरियत की बका के लिए जो जंग थी, जो लड़ाई थी, जिसमें कारकुन शहीद हुए, जिसमें लाखों लोगों ने जेलें काटी, जिसमें लाखों लोगों ने कोड़े खाए, लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, वो सारी कहाँ गई अगर अब भी हमने किसी के कंधे पे बैठ के आना है। हम तो आपके साथ चले थे कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बीबी ने साइन किया था जी हम उसके मुताबिक चलेंगे। हम अपनी जो अनाह की सियासत थी हम उस होल से बाहर आएंगे, हम इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर आएंगे, हम जमहूरी सिस्टम को डीरेल होने से बचाएंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ जो हम एक किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर या जमहूरियत दुश्मन कुवतों को जो हम मजबूत करते थे हम वो नहीं करेंगे। हमने तो ये सारा कुछ किया था, अगर आज भी कंधे पे 2023 में बैठ के आना है तो फिर जमहूरियत का अल्लाह हाफिज है। हम आज भी ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी कभी अपने लिए नहीं कहती कि हमें बना दो, हम तो कहते हैं कि जो भी बने वो अवाम में जाएं, बिल्कुल ठीक कह अवामी रहे और हैं जमहूरी तरीके से बने, जी। उसमें हमें किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं तो है। असद मुस्तफा साहब, एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने खुद जिक्र भी किया 2018 में, और ये इल्जाम लगता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लाने वालों पे भी, और जो आए इकतदार में उनके ऊपर भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन तो बड़ी सीनियर जमात है पीटीआई की निस्बत, एक्सपीरियंस भी है, तो क्या इन्होंने 12 अक्टूबर से कुछ नहीं सीखा? इन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा? अभी भी अगर इस तरह अगर आएंगे इकतदार में, जो कि बाज़ाहिर अभी तक तो यही लग रहा है, तो अगर इस तरह इकतदार में आएंगे तो फिर आज पीटीआई जो 2018 में शायद बहुत लाडली थी, जिसको जितवाया गया, खुद सबने माना भी, इसमें तो कुछ अब बचा ही कुछ नहीं है, वो आपके साथ खड़ी है जमहूरियत की जंग लड़ने के लिए, और जो दावेदार थे अपने आप को चैंपियन समझते थे वो उधर अपना वजन डाल रहे हैं। देखिए ये कहना कि वो बड़ी सीनियर जमात है, जनरल जियाउल हक 85 के बाद की जमात है, उनके कायदीन का जो सियासी सफर है वो 85 में शुरू हो रहा है, कितनी एक सीनियर जमात है। और फिर उन्होंने हमेशा इक्तदार देखा है, उन्होंने हमेशा जो है वो पावर पॉलिटिक्स की है, उनको क्या पता जद्दोजहद क्या है, उन्हें क्या पता सियासी नजरियात क्या असद है, मुस्तफा साहब, उन्हें आप कबल मस्ती की बात कर रहे हैं ना सर, वो 2017 में इनकलाबी हो गए थे ना सर मैं वो ही कर रहा हूं ना, अच्छा ये बंदा इनकलाबी होता नहीं है जी, ये इन बिल्ट होता है, जहां पे होता है वहां पे इनकलाब होता है, बाकी इनकलाबी इनकलाब कहाँ से आया जी, कौन सा किस इनकलाब की बात करते हैं। 4 दिन जेल में नहीं रहा जाता, कभी जड्डा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, ये तो बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है उन पे, उनकी अच्छी गुजर रही है, बस शुक्र करें, बाकी क्या सियासत करनी है, ये सियासत हो रही है जो हो रही है। तो इस पे नसर मुजा साहब, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो सियासी आप जैसे जो कारकुनान हैं, लीडर्स हैं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, इवन पीटीआई के अंदर भी, तो कुछ थिंक टैंक इसके ऊपर सोचते नहीं है पार्टी के अंदर? आप पाकिस्तान पार्टी तो अमूमन ज़्यादा ओपिनियन रखती है, आप लोग जब इजलास भी होता है तमाम सीसी का, उसके अंदर भी डिस्कस होता है, तो इस तरह का थिंक टैंक सोचता नहीं है कि ये इमेज बिल्डिंग भी होती है किसी चीज़ की? इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल टिल्ड हो जाएंगे और कल आपको अवामी सतह पे निकलना मुश्किल हो जाए, तो क्यों हमारी जमातें, और पिछले 18-20 महीनों से तो हम ये चीज़ देख रहे हैं ना सर मुर्तजा साहब, जो सियासतदानों ने काम करने थे वो नहीं कर सके, इवन इलेक्शन कमीशन ने जो जिम्मेदारी देनी थी वो भी आज सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेयर करने के बाद इलेक्शन का की अनाउंसमेंट हुई, यही चीज़ पहले हो जाती तो बहुत बेहतर होता। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? कब हम थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, सियासतदान अपने फैसले खुद करेंगे, गलत या सही दे तो बाद की बात है, कम अज़ कम अपना फैसला तो करें। गुजारिश ये है जी कि हर जमात ने अपने आप को ठीक करना है। मैं आज के 2023 में ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पहले दिन से लेके आज तक
वो जमहूरी भी रही है, वो सियासी भी रही है। उसने इस मुल्क में अगर आज कोई थोड़ी बहुत कहीं जमहूरियत नजर आती है तो वो पीपल्स पार्टी के मरहूने मिन्नत है। कोई मुझे जी। बता दे, जब भी आईन की खिलाफ वर्जी होने लगती है, बीबी शहीद जिंदा थी तो इमरजेंसी में वो एक मिनट में सारी चीजें छोड़कर पाकिस्तान वापस आई थी और उन्होंने उस इमरजेंसी की मुखालफत की थी। इस मुल्क में उनके बाद जनाब आसिफ अली जरदारी वाइज लीडर थे जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत के बावजूद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बिल्कुल। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब भी आवाज उठाई, बतौर वजीर खारजा आप उनको देख लें, हर इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने भारत में खड़े होकर भारत को ललकारा। उन्होंने कहा कि आप जारियत कर रहे हो कश्मीर के अंदर, उन्होंने कश्मीर इशू रेज किया, उन्होंने फलस्तीन पे बात की, खुल के बात की। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमें मरियम बीबी को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को सियासत करने दो, उनको उनके जमाने की, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से कहा। जी बिल्कुल। इससे ज्यादा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या तवक्को की जा सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर इल्जामात अपने सीने पर लेने के बावजूद पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ी होती है, जमहूर की बात करती है। अगर तनख्वाहें बढ़ानी देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर नौकरियां देती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर इस मुल्क में तरक्की के मेगा प्रोजेक्ट्स देती है तो पीपल्स पार्टी देती है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना जो जमहूरी रवैया है वो सामने रखा है और आज किसी से पूछ लें आपको बच्चा बच्चा कहेगा कि अगर कोई जमहूर की बात करता है तो वो पीपल्स पार्टी है। इसमें समस्या सब कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती, लेकिन अभी भी ये भी हमारी बदकिस्मती नहीं है, आपकी ज़रा लीडरशिप ने शहादतें दी हैं, इतना आसान नहीं होता, कहना बहुत आसान है जब मुल्क की खातिर जान देना और जो चीज़ें आपने गिनवाई इसमें कोई शक नहीं, हर जमात में 19-20 होता है, लेकिन कम अज़ कम जो कुर्बानियाँ हैं वो आपकी आपके आपको जाता है इस चीज़ का क्रेडिट। दूसरी तरफ बाकी सियासी जमातें भी हैं, कोई मिलकर इस मुल्क को आइन को, और अब मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे ताकि वसी तर मफाद में कोई बात हो सके, तो कैसे होगी? एक तरफ आप उन लोगों से डील करते हैं या उन लोगों के पांव पकड़ते हैं, वो किस हैसियत में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जी? वो खुद आप किसी के कंधे पे चढ़ के फिर रहे हैं, वो किस तरह exactly, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब आप ये तासुर कायम हो चुका है डे फर्स्ट से, तो अब क्या आपके साथ कोई बैठेगा और कैसे ये फोरम आगे चलेगा? मैं अर्ज करता हूँ जी कि उनके इत्तेहादी जो थे, किसी इत्तेहादी को हाथ लगा के तो पूछें कि उनके साथ हुआ क्या है। मौलाना फजल रहमान साहब उनके शहदाई थे, उनके कसीदे पढ़ते थे यार, उनका तकरीर में जिक्र तक नहीं किया। कितने शर्म की बात है कि इतना बड़ा लीडर 4 साल के बाद मुल्क में तशरीफ ला रहा है और इंतखाब की बात ही नहीं कर रहा, किसी अपने इत्तेहादी का नाम ही नहीं ले रहा। भाई आप बिल्ले और रसीदें लेके स्टेज पे खड़े हो गए हैं तो आप कम से कम ये तो कहते कि हिसाबदार मुझे हिसाब दो, ये मेरी आवाम के साथ क्या हुआ है। आप तो फिर उधर उन्हें खड़े होकर डिफेंड कर रहे हो कि जब नवाज शरीफ गया था ये रेट था, जब इमरान खान गया ये रेट था। वो भाई 16 महीने की बात करते हैं ना कि ये इमरान खान की कंटिन्यूटी है, ये इमरान खान का खुमियाजा भुगता है, लेकिन इसहाक डार साहब आपको नहीं पता था कि ये नवाज शरीफ को प्यार करने वाले लोग हैं, ये बिल क्यों पड़े इन्हें? आप तो कभी शब्बीर का बिल निकाल लेते थे, कभी कभी कश्मीर का बिल निकाल लेते थे, कभी किसी चीज का निकाल लेते थे। ये तो इनका वीएन है, ये इनकी सोच है। आप परिंदे कंधों पे बैठा के समझते हैं कि हम बेनजीर शहीद बन जाएंगे? वो भाई बेनजीर बनने के लिए सड़कों पे असैसिनेशन जरूरी है, आपको फांसियों पे लटकना पड़ेगा तब भुट्टो और बेनजीर बनोगे। आप किसी के कंधे पे बैठ के तो शहीदों का खून लगाकर और आप शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हो? इस तरह नहीं होना। असम शाह साहब, वो आपको भी याद होगा, मियां साहब तो अटक जेल में प्लास्टिक के सांप उन्होंने फेंके थे, हालांकि वो कोई जेन्युइन थे भी नहीं, तो उनसे डर गए थे। तो अब उन्होंने क्या फांसी पर लटकना है और क्या शहादत देनी, और 4 साल बीमारी का बहाना सियासी प्लेटलेट्स, हम तो सियासी कहेंगे,
तो इन्होंने क्या इनकलाबी बनना है, फिर बयानिया 2017 में जो बनाया था वो आज उस बयानिए से पीछे हट गए, तो इनकलाब तो ये सारी चीजें नहीं देखता ना, इनकलाब तो गोली खून ये सब चीजें मांगता है। तो फिर आप 2017 वाला इनकलाब भूल जाए ना। अब उनका नया वर्जन जो 2023 आया है ना, हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, वो समझते हैं एमन फील्ड कह रहे हैं, वो ये उसका बड़ी जवाब दिलचस्प बात, देना आज शुरू कर फैसल देते करीम हैं। कुंडी साहब भी ये कह रहे थे, बिल्कुल ठीक ये कहा है आपने। ही बात ही ये है, हमें तो समझ अब लगी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को वो एमन फील्ड समझते हैं। भाई जवाब देना था इलेक्शन कमीशन ने, जवाब आप दे रहे हो, आपकी समझ में गलत आ रहा है। हम एमन फील्ड की बात ही नहीं कर रहे, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। बस ये जी इनका एक्सपीरियंस वहां का ज्यादा है ना जनाब। बस इसी तरह है जी, कोई नहीं, अल्लाह ताला अच्छा बेहतर करेगा चले जी, ये तो ठीक है, हो लेकिन जाएंगे। एक बड़ा सीरियस नोट पे सनमुस्तफा साहब, आपको लगता है जिस तरह एक दहशतगर्दी के वाकयात पे दर पे हो रहे हैं, इलेक्शन की तारीख भी का ऐलान भी हो चुका है, अल्लाह करे कि इलेक्शंस हो जाएं, कोई हालात खराब ना हो, कोई आपको इस तरह की कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं कि यार इंशाल्लाह ताला खैर वाफियत से हो जाएगा मामला 8 फरवरी तक? इलेक्शंस होंगे जी, इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस भी होंगे। और इस दफा एक चीज तो है कि वजीर आजम जो है वो लाहौर से नहीं होगा, जो इनके जहनों में है ना फतूर के जी, हम तो इंशाल्लाह ताला, पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा है तो पीपल्स पार्टी इसको यकीनी भी बनाएगी, ठीक और वजीर आजम छोटे सूबे से होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अच्छा समझा साहब, ये वो आप अल्फाज हैं जो तकरीबन कोई 2 ढाई महीने पहले जब आपसे बात हो रही थी तो उस वक्त भी मोमेंटम यही था, आज जरदारी साहब ने ये भी बात की, फरियाल तारपुर साहबा ने भी ये बात की, और अब आप भी यही कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ही वजीर आजम होंगे। एक चीज़ तो कम अज़ कम इसमें है, मियाँ नवाशी साहब तो वजीर आजम नहीं है, ये तो हमारे पास भी इत्तलात है, लेकिन क्या वाकई लाहौर से नहीं होगा, ये एक सरप्राइज होगा। सर हमने, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जी लाहौर से भी नहीं होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा और जमहूर के कंधों पे बैठ के आएंगे। ये जो कंधा ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो इनकी आखिरत का कंधा है, अच्छा इनकी सियासी सियासी सफर की ये अंजाम की तरफ चल पड़े हैं। इन्हें इतनी तकलीफों के बाद भी इन्होंने होश के नौखन नहीं लिए, ये सोच रहे हैं कि हम शायद इसी कंधे पे बैठ के वजीर आजम हाउस जाएंगे। इस कंधे को अब वजीर आजम हाउस कोई नहीं जाने दे सकता। ठीक, तो आप ये समझते हैं, और कुछ ये कुछ कुछ लोगों का ये मानना भी है कि शायद मियाँ साहब को इस चीज़ का एहसास हो चुका है, जब वो लाहौर आए और उन्होंने देखा कि गलती की, वो कन्विंस भी नहीं थे। एजाज हसन साहब पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ थे तो वो कह रहे थे कि जी मियाँ साहब तो पहले ही राज़ी नहीं थे, और यहाँ आके जो थोड़ा बहुत उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि चलें ठीक है इलेक्शन में चले जाते हैं, तो यहाँ आके तो दिल उनका और खट्टा हो गया। इंशाअल्लाह ताला जी बिल्कुल नहीं, वो वैसे ही पीएमएलएन की बड़ी कंफ्यूज सी पॉलिटिक्स है और वो समझ रहे हैं कि शायद ये जो इंटरिम सेटअप है ये मदद करेगा, एस्टेब्लिशमेंट मदद करेगी और हम चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस इंटरिम सेटअप का तो कोई माई बाप ही नहीं है। ये इंटरिम सेटअप इंशाअल्लाह ताला, ये इनसे भी पूछेंगे कि ये जो पाकिस्तान के और पंजाब के खजाने को इन्होंने बापू जी का राज समझ लिया है ना, ये भी नहीं कर पाएंगे। इसका जवाब भी ये इनसे लेंगे कि ये किस हैसियत में किसी भी सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यूज कर रहे हैं, पंजाब के खजाने को यूज कर रहे हैं, पंजाब का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो किसी की इलेक्शन कंपेन पे लगा रहे हैं। इनसे भी जवाब लेंगे और ये भी जवाब देंगे। ये समझते हैं ना कि हम जवाब दे ही नहीं ठीक, है, इनको भी कटहरे में लाके खड़ा इनको भी करेंगे। कटहरे में लाना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब हसन मुस्तफा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और ज़ाहिर है इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिलनी चाहिए, जो कि सबका बुनियादी हक भी है, इलेक्शन कमीशन को मेक श्योर करना होगा इन तमाम चीज़ों को। इस पर मज़ीद बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून क्या हिकमत अमली बना रही है इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।